काम के लिए, ठीक है। वैसे रिकमेंड मैं यही करूँगा कि 16 GB में आपके इंस्टॉल हो जाते हैं विंडोज सर्वर, पर आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाते, तो बेटर है 20 से ऊपर ही रखो। अगर आपका कम यूसेज है तो 20 तो होना चाहिए, 20 मिनिमम स्लैब, 40 आपकी मर्जी, मतलब बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने इस पर लिख दिया, रिफ्रेश करना है सही कर सकते हो, ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ इस पर और ऑप्शन ले दें, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसमें नीचे इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। ये पार्टीशन है, आप इसे डिलीट करना चाहते हो डिलीट करो, और इसे डिलीट करो। सर उस क्वेश्चन का जवाब यही था कि अगर मुझे चेक करना है कि मेरे किन कौन से पार्टीशन में मेरी विंडो है, तो लोड वाला जो ड्राइवर ऑप्शन होता है तो यहाँ पर वो शो कर देगा उस चीज़ को, थोड़ा बहुत किस पार्टीशन, वो पूरा डिटेल दे देगा ना किस हार्ट किस में क्या पार्ट क्या क्या जिस में पार्टीशन में अभी तो विंडो लोड है, यहाँ पे ही नहीं आ रहा है, हार्ड डिस्क वाले में सर ये तो ड्राइवर लोड करने के लिए होता है। चलो ठीक है, हम उसके बाद ये ब्राउज़ का, ठीक है, ये देखो यहाँ ब्राउज़ आया, यहाँ के अंदर मैं अपनी फाइल को चेक कर सकता हूँ कि मेरे कौन से फाइल में, यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डी ड्राइव लोकल ड्राइव का सारे, यहाँ पे लोकल ड्राइव आ रही है, वहाँ पे क्यों नाम आ रहा है, वहाँ पे तो आपके पास में ड्राइव का नाम है, लोकल डिस्क डी है, लोकल ई है, जब पार्टीशन बन के आ रहा है वहाँ पे पार्टीशन 0 और 2 पे आ रहा है। अब बताइए मुझे, अगर मैं गलत हूँ वहाँ पे, जब वहाँ पे आप देख रहे हो ब्राउज कर रहे हो तो वो डिस्क के नाम से आ रहा है, लोकल डिस्क डी है या ई है, ठीक है, पर यहाँ पे पार्टीशन क्या आ रहा है, पार्टीशन 0 पार्टीशन 1 पार्टीशन 2, अगर आप नाम चेंज कर दोगे तो आ जाएगा। चलो ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की बात देख लेते हैं तो मुझे भी थोड़ा आसान हो जाएगा समझा के। चेक कीजिए, ठीक है, ये पार्टीशन है, अब नहीं मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपको वार्निंग देगा, पार्टीशन तो डिलीट कर रहे हो लेकिन कुछ भी होगा उसके अंदर सब कुछ चला जाएगा, फिर भी अग्री करते हो तो ओके कर दो, ओके, ठीक है। तो आपके पास में जब फर्स्ट टाइम आपके पास जो हार्ड डिस्क होती है ना, वो इस व्यू में होती है, अनपार्टीशन अनअलोकेटेड स्पेस, अगर आप एक्सपी यूज करोगे तो वहाँ पे फिर अनपार्टीशन दिखा देगा और यहाँ पे अनअलोकेटेड स्पेस, ये आप इसमें विंडो को भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट ये पूरा साइज लेके रहेगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट कर दोगे तो ये पूरे साइज को एक पार्टीशन में डिवाइड कर देगा। तो इससे हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि 20 GB साइज मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको सिलेक्ट कर लूँगा और न्यू करूँगा, न्यू करूंगा तो जो साइज कैलकुलेट होता है ना यहाँ पे पार्टीशन का, वो एम बी के अकॉर्डिंग होता है, एम बी, ठीक है, एम बी दो आपको बताइए, मेगाबाइट, ठीक है, और अभी ये 7.7625 है, एक्चुअली जो कैलकुलेशन होती है किसके अकॉर्डिंग होती है, 1024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है, ठीक है, तो 1024 एम बी इक्वल टू 1 GB, ठीक है, बाकी के भी एम बी जी बी टी बी सब ऐसे चलते जाते हैं वो, लेकिन बेस होता है 1024 से, और उससे पहले भी आपकी छोटी छोटी बाइट वेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो साइज है एम बी के अकॉर्डिंग इतना है, अब आप कैलकुलेट करो आपको 20 GB रखना है तो अप्रोक्स अनुमान लगाओगे देख लो कितना हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, 20 के राउंड कर देते हैं अप्रॉक्स हो जाएगा 19 के आसपास हो जाएगा, तो 21 कर देंगे यहाँ पे 22 कर दो, इतना साइज अगर आप इसको डिवाइड करोगे 1024 से तो आपको वो एक्चुअल जीबी बता देगा कितना है, ठीक है। अब क्या करोगे इसे अप्लाई, पार्टीशन से ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब आप पार्टीशन ये चाहते हो आप इसमें विंडो को इंस्टॉल करना है तो आप इसको सिलेक्ट करो और नेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये पार्टीशन आपको लोकल डिस्क डी ई नहीं दिखाएगा, वहाँ पे आपको ये पार्टीशन नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने इसे अलॉट नहीं किया किसी पार्टीशन में, उसके कोई डिस्क नहीं बनाई है, अगर आप उसे दिखाना चाहते हो लेकिन दिखाएगा नहीं, अगर आप उसे दिखाना चाहते हो तो इसको भी पार्टीशन बनाना पड़ेगा, उसको नाम देना होगा,
अपने आप दे देगा, आप इसको सिर्फ असाइन कर दो। अच्छा, इसको करो एक बार, न्यू करो, मुझे प्रोडक्ट सा चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, इसको सेट कर दो। अब नाम दे दिया, अब ये पार्ट्स भी आपको दिखाई दे जाएगा, शो दे, ठीक है। अब हम थर्ड वाले पे आपकी विंडो को इंस्टॉल करेंगे। इसको सेलेक्ट किया और क्या करूंगा, इसे नेक्स्ट कर, और ये होता है कि हम थोड़ा रिलीफ हो जाते हैं कि मैंने पे सारा काम नहीं करना होता। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिस्टम भूल जा सकते हो, नहीं, सिस्टम के बीच में बहुत सारे काम होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। इस डिवीजन पे आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा, ठीक है। जब आपका रिस्टार्ट होगा तो वो डिवाइस का ऑप्शन देखोगे, आपने फर्स्ट को डिवाइस नहीं बना रखा है, अगर बना रखा है तो फिर से पेन ड्राइव को लोड कर देगा। बस पेन ड्राइव निकाल दो, रिव्यू हो गया, ये फाइनल स्टेप हो जाएगी यहां पर। हां, फाइनल स्टेप हो गया ना, सॉफ्ट सिस्टम अभी देख लेते हैं, उसके बाद पेन ड्राइव निकाल देंगे, उसके बाद अपने आप गैदर कर लिया सारी इंफॉर्मेशन। तो अभी तक इस सिस्टम में विंडो एक्सपी थी, अब यहाँ पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 7 एक्सपी और दोनों, वो आप लोगों डिपेंड करता है आप किसको ओपन करना चाहिए। वो ऑप्शन आएगी जब स्टार्ट करेंगे, पूछे जाएंगे 7 सेकंड की जाता है, 7-8 सेकंड तो जो पहली विंडो होगी उसे लोड कर ले। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, एक्चुअल में विंडो का वर्क क्या है, आप क्या करते हो? नहीं, आप बताइए, यहाँ पर अच्छे से मुझे नहीं मालूम, सपोज अगर एक क्वेश्चन मेरे सामने आता है और मैं इसको मुझे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा कि इसका मुझे जवाब क्या देना, अगर कोई स्पेंड करता है। सर, विंडो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने काम को करते हो, जिससे पे जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो एक विंडो के प्लेटफॉर्म पे यूज होते हैं, क्योंकि उनकी सॉफ्टवेयर से जो कंपेटिबिलिटी होती है विंडोज के साथ में, सॉफ्टवेयर विंडोज एक प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है, मतलब ये कि सीधे सीधे सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकते। नहीं, जब विंडो नहीं होगा तो आप काम ही नहीं कर सकते उसपे, जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके किसी बेस पे काम करेंगे ना, और जब बेस ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, काम जो आपने काम किया वो विजिबल कहाँ होगा जी, आप कंफर्म कैसे करेंगे मैंने ये काम किया है तो ये इसका रिजल्ट ये आया है, ये इंटरफेस है रिजल्ट इस पे आया है, रिजल्ट इस पर आया है, क्योंकि जब तक आपके पास में बेस नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा, काम ही नहीं कर सकते। हां, ये लगे इसका वो विंडो की जरूरत है क्या? हां, जैसे फोन में एंड्रॉइड होता है आईफोन, ऐसा ही ये सवाल पर बहुत कॉमन सा आया, कोई भी जैसे पूछ लेंगे सर हम विंडो कर क्यों रहे हैं, सॉफ्टवेयर चौक है और विंडो ब्लैकबोर्ड है जिसपे आप तो अभी जो मैं आपको पेन ड्राइव दूंगा वो कंबाइन करके दूंगा, ठीक है, मतलब दो दो काम करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि जो एक्सपी वाले विंडो सिस्टम है मैं उन्हीं पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पता लग जाएगा। अभी अभी जो आप बूट पर बात कर रहे थे उसमें हमने एक सीक्वेंस बना रखी है, तो अमूमन जो हम जनरल वर्क कर रहे हैं उसमें हमने सीक्वेंस क्या रहता है, एक बार ये काम कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे। हां, रखी है आपको ये बोला था जब हमें अदरवाइज आप सेव करो उसके बाद हटा दो, दोबारा से सेटअप में जाओ चेंज करो, फोन में क्या करते हो यही करते हो ना, मुझे ये वॉलपेपर अच्छा नहीं लगा चेंज कर दिया हटा दिया सेटिंग्स या वैसे जो भी आपको तरीका होता है। उसमें पहला हार्ड डिस्क रखेंगे और सेकंड पर क्या रखेंगे? कुछ भी रख लो आपकी मर्जी, आप जिसको लोड कराना चाहते हो वो हम सेकंड पर रखेंगे।
और उसको कुछ नहीं मिलेगा तो हार्ड स्कोर तो बस मेन चीज ये है कि जनरल वर्क के लिए हम सिर्फ उसको पहले रखेंगे प्रायोरिटी आप हार्ड स्कोर ही दोगे बस उसके बाद में हम जो चाहे कर लेंगे उसको हम चेंज कर अगर आपने पेन ड्राइव रिमूव नहीं की तो फिर वो पेन ड्राइव से खुल हां और पेन ड्राइव अगर हमने पेन ड्राइव को फर्स्ट दे दी है और आपने रिमूव नहीं की तो वहां से फिर से पेन ड्राइव में से जी फिर वो तो खैर पेन ड्राइव ठीक है सिंपल सा मतलब वर्क के लिए ये क्या हार्ड सीक्वेंस का मतलब यही होता है कि बूट सीक्वेंस का ये देख ये बताओ अपने सिस्टम को हम किसको पहले लोड करें हां नहीं वो तो मैं समझ रहा हूं लोड किसे करेंगे लेकिन हम जनरल वर्क में हम जिस सभी लोग वर्क कर रहे हैं वो भी एक आंसर दिया है कि हार्ड डिस्क लगी हमारी नहीं नहीं वो बीच में भी एक आंसर दिया था सर शायद मैंने आपको आंसर दिया था कि फर्स्ट बूट प्रायोरिटी जो मेनली रखते हैं वो हार्ड डिस्क पे रखते हैं हार्ड डिस्क को रखते हैं यही मैंने आंसर दिया सेकंड हम जो चाहे वो हमारी मर्जी बवाल की बात है कि हार्ड डिस्क में हम सॉफ्ट चीजें लोड करते हैं जी हार्ड डिस्क में हार्ड चीजें नहीं होती है कभी हार्ड सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट नहीं होती है सर सर ये नेचुरल रूल है कि हम इस हार्ड डिस्क के अंदर ही सारे सॉफ्टवेयर रखते हैं ये तो गॉड ने बना के इस हार्ड डिस्क के अंदर ही तो सारे सॉफ्टवेयर है इस हार्ड बॉडी के अंदर देखिए नेचुरल रूल है सर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर यहां पे अरे नहीं तो है तो ये भी हार्ड का ही तो पार्ट है ये हार्ड डिस्क का नहीं तो बेसिकली हार्ड का ही पार्ट है चलो ठीक है सर जी सर आगे बढ़ाओ प्रोग्राम को भी कर देते हैं जैसे ये फिट हो जाएगा यहां से ये प्रोसेस ये दिक्कत नहीं सा लग रहा है किसी कंप्लीट हो चुका इसकी प्रोसेस है ठीक है जब रीस्टार्ट होगा ना देख लो मान जी रीस्टार्ट होने वाला है नहीं ऐसे नहीं पकड़ना पड़ेगा उस टाइम पे आपको पैटर्न निकालनी पड़ेगी विजन गैस का पैटर्न निकालने का आगे बताया था मैंने हां वो पानी से रूट करेगा ना अगर हम पैटर्न करें तो फिर पॉली का पॉली का तो पैटर्न निकालेगा आपको टाइम लेता है 20 सेकंड में आपका ये सिस्टम रिबूट हो जाएगा अच्छा उसी टाइम पे पैटर्न निकालो बाकी चीजों को वो खुद से गैदर कर लेगा ठीक है बहुत सिंगल पॉली का हां अभी ये गैदर करेगा अपनी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेप आएगा हम उस पे काम करेंगे तब तक ये पॉज रहेगा तब तक हम टीजे भी लेते हैं उसके बाद उस पे काम कितना वक्त लग जाता है वैसे हम विंडो स्टॉल कर लेंगे अभी तो मैं आपको बता रहा था सारी चीजें वैसे आधा घंटा हार्ड से लेता है हार्डली लेता है आधा घंटा आधा बट रिसेंट हो जाती है और प्रोसेसिंग को डिपेंड करता है सिस्टम अब अगर हम बंद कर दूं तो भी स्कूप ठीक है तो सर ये काम करते हैं अब ये स्टार्ट हो रहा है जो फाइनल स्टेप आएगा ना वो अपने आप रिकवर कर लेगा फाइनल स्टेप पे रजिस्टर हो जाएगा रुक जाएगा तो हम वहां से आगे काम करना स्टार्ट कर देंगे तब तक हम टी ब्रेक करते हैं ठीक है